लिए आपको बताते हम ब्रीथिंग, सांस कैसे लेते हैं पानी, ठीक है। आपकी समस्या क्या है? आप स्विमिंग तो कर रहे हैं, थोड़ा बहुत स्विमिंग करना सीख रहे हैं, लेकिन उसके बाद आपको डर किस चीज़ का है? क्या पानी मुँह में जा रहा है, लहर आगे तो पानी मुँह में जाएंगे, ठीक है। तो इस डर को कैसे दूर करना है? आपके माइंड में ये चीज़ भी चल रहा हो कि जो इंग्लिश चैनल पार करते हो कैसे कंटिन्यू करते होंगे, वो धरते नहीं होंगे। तो यहाँ ये भी सोल्यूशन है कि आप थकान को भी दूर कर सकते हैं, पानी में तैरते तैरते आपने रिलैक्स भी होना है, और दोनों का एक ही मेथड है, वो है ब्रीथ आउट, ठीक है। ब्रीथ आउट कैसे करना है? आपने प्रॉपर मुँह से सांस लेना है, नाक से नीचे छोड़ना है, ठीक है। नाक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा, जस्ट मतलब अपोजिट टू इन्वायरमेंट, ठीक है। तो हम इन्वायरमेंट में नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, नाक का इस्तेमाल करते हैं, मुँह से छोड़ते हैं, वो यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर उल्टा हो। इस चीज़ को माइंड में बैठा देना, अगर हम नाक से लें तो नाक में पानी जाएगा, फिर आप उड़ जाएंगे, ठीक है। बाद में यहाँ पर सिर्फ मुँह का इस्तेमाल करना है, मुँह से पानी लेना है और सांस लेना है, और नीचे जाके सांस को छोड़ना है। और फिर भी आपके नाक में अगर पानी चला जाता है तो आप वो जा सकता है। उस दौरान आपने क्या करना है, जैसे आप स्विमिंग कर रहे हैं, ठीक है, पानी चला गया नाक में हल्का सा, जैसे नीचे जाते फिर छोड़ देना, फिर किसी ने वाटर में जो बता रखा है कि मुँह से लेना है, नीचे जाके छोड़ना है, तो जो थोड़ा बहुत जाते हैं निकल जाएगा, तो आप बिल्कुल रिलैक्स होते हुए निकल सकते हैं। और अगर आपको जैसे आपने कई किलोमीटर चलना है, ठीक है, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर लंबा जैसे आपने चीज क्रॉस करनी है, तो वहाँ पर क्या करेंगे आप, बीच में स्टे किया थोड़ी देर, जो आप स्टे बता रखा है, ठीक है, स्टे किया, फिर वहाँ पर ब्रीथ आउट कर लो। ब्रीथ आउट वही हो गया कि आपका लंबी लंबी सांस ले लो मुँह से और नाक से नीचे छोड़ दो, पूरी बॉडी आपकी रिलैक्स हो जाएगी, ठीक है। जितना किलोमीटर आप चल के आए उतना आप और चल सकते हैं, नॉन स्टॉप चल सकते हैं, ठीक है। तभी आप तरीका मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। ये मैंने ये सांस ली, मैंने इसे सांस ले रहा हूँ, अभी मैंने स्टोर कर लिया है, ठीक है। और इसको मैं नाक से और मुँह से दोनों से नीचे छोड़ लूँ, ये हो गया। ये जब भी आप स्विमिंग शुरू करते हैं आपने कम से कम 10 से 20 बार करना है, ये पता नहीं जरूरत नहीं होती, जब भी आप एंटर करते हैं करना है इसको, ठीक है, इसको मायने बैठा दो, पता कि आपके हैबिट में बैठ जाएगी। और जब आप स्विमिंग करके बाहर को आते हैं उस समय भी आपने करना है, ठीक है, वो बॉडी भी आपकी रिलैक्स हो जाएगी, जो पानी के थकान वो पानी में ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें जब हम स्विमिंग कर रहे हैं तब हमने कैसे मतलब सांस लेनी है, देखना बारीक से। ये मैं स्विमिंग कर रहा हूँ, मैंने नीचे मुंह किया, ठीक है, तो मैंने सांस ली थी वो मैंने नीचे छोड़ी, आप एक बार दोबारा देखिए, ठीक है। ठीक है, कैसे किया मैंने, ऊपर मुंह किया मैंने, मुंह से लिया और नीचे छोड़ दी मैंने, ये इसका तरीका है, इसे बोलेंगे ब्रीथ आउट, ब्रीथिंग की प्रोसेस क्या है, ठीक है। आप लोग बताएंगे आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है इसमें ब्रीथिंग लेने में। सर जब सांस ज्यादा फूल जाती ना, अच्छा घुटने लगता है, वो इसलिए लगता है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप सांस पूरा नहीं ले रहे हैं। अगर सांस पूरा ले रहे हैं तो छोड़ने दें, अगर वो स्टोर की स्टोर रहेगी तो जैसे हम जब ये समर्थन करते हैं तो लेते हैं ना, ऑक्सीजन तो रहती है हमारे उसमें बॉडी में, उसी बार भी घुटन से होने लग जाती है और तुम जल्दी ऊपर आते हैं, यही प्रॉब्लम है। यहाँ क्या होता है कि आप ले तो ले रहे हैं लेकिन आप रिलीज नहीं कर रहे हैं, सडन आप अंदर जाके रिलीज नहीं कर रहे हैं, जब रिलीज करेंगे पूरी तरह से आगे आपका पूरी तरह से पंपिंग होगा तो बॉडी नॉर्मली चलती रहेगी, आपकी थकान महसूस नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आप मतलब आधे में ही आप या तो पूरा ले नहीं पा रहे हैं या पूरा रिलीज नहीं कर रहे हैं। पूरा लेना है, पूरा लिया, ठीक है, पूरा रिलीज करना है, आप कितना भी चलते रहो नॉर्मली आप चलते रहेंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार जब लहर आ रही है, ठीक है, आप तैर रहे हैं, अब सामने से लहर आ गई, वहाँ पर क्या करना है, या साइड से लहर आ गई वहाँ पर आप नाक इस्तेमाल तो वैसे होता ही नहीं, चला भी गया वहाँ पर आपने अपने हेड को नीचे कर देना है, लेयर की रिलीज कर देना है श्वास को, और फिर आप ऊपर हो जाना है, ठीक है। तो आपको मतलब ये प्रॉब्लम होगी नहीं, अब हम लहर से इसलिए डरते हैं क्योंकि हम नाक जैसे मैं नाक इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं उधर से लहर आई और नाक में सांस ले रहा हूँ, नाक में पानी चला गया, ठीक है, हो जाएगा मेरे अंदर और मैं डूब जाऊंगा।
आप रुकता क्यों? डर के कारण, जब डर जाता है तो बॉडी काम करना प्रोसेस हो जाता है, बॉडी काम करना बंद कर जाती है। ठीक है, जैसे तुम्हारा ओरा है, तुम्हारा थोड़ा पानी चला था मुंह में, ठीक है, नाक में, और तुम्हारे क्या हाथ पाँव दोनों सब बंद, सब भूल जाते कि हम कहाँ हैं, सीधा नीचे चल जाते, यही प्रॉब्लम। ठीक है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? ब्रीथ आउट जितना हो सकता आपने मैक्सिमम कर। ठीक है, अभी किसी कोई डाउट? ब्रीदिंग में किसी को डाउट? बताओ। एक जब आदमी नॉर्मली सांस लेता तो 2 सेकंड का इंजेक्शन होता है और 3 मिनट में छोड़ता है, 3 सेकंड में सांस को छोड़ता है, जब नॉर्मली जब थकान नहीं होती है, और जब थकान हो जाती है तो आधी आधी सेकंड में उसको रिलीज भी करता है और लेता भी है, तो आधी सेकंड में ऐसे करते तब तक तो फिर दोबारा निकलने को हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम थी, ज्यादा देर तक नहीं रख सकते अंदर। हम जब लॉन्ग रेस करके आते हैं वहाँ पर क्या बोलते हैं? डीप ब्रीथिंग, ठीक है, लंबी सांस है, गहरी सांस है, आप बिल्कुल रिलैक्स होता है। यहाँ पर आपको मुंह से पूरा लेना, गहरी सांस लेना है, बीच में जैसे आप बहुत बुरी तरह से थक गए, ठीक है, स्टे करना है। अब आपको लगता है कि मैं बहुत तेजी से मेरा हार्ट बीट हो गया, ठीक है, वहाँ पर थोड़ा स्टे करना है, गहरी सांस ली और नीचे जाके छोड़ना है, गहरी सांस ली और नीचे जाके पानी में छोड़ना है। जैसे आप नॉर्मली तुम्हें बताओ वैसे थकने कोई बात ही नहीं आती, अगर आप सही ढंग से ब्रीथिंग करेंगे, ठीक है, सही ढंग से आप जैसे बता रहे आपको वैसे कर रहे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप थकेंगे नहीं बिल्कुल, ऐसी नौबत आती नहीं है। लेकिन आप प्रॉब्लम कि आप ना थे सही लेते हैं ना सही रिलीज कर रहा आपके, इसीलिए आपको थकान, ठीक है, और इसीलिए हार्ट बीट भी बढ़ती है। हार्ट बीट किस लिए बढ़ती है? कब बढ़ती है? ब्लड को ज़्यादा सर्कुलेट करता है, जब उसको ऑक्सीजन कम मिलती है, ठीक है, आप एक्टिविटी ज़्यादा हो रही लेकिन आपको ले कम रहा, जितनी ज़रूरत हो अगर बॉडी फंक्शन ज़्यादा कर रही है तो उसे ऑक्सीजन भी ज़्यादा चाहिए होगी ना, लेकिन उतनी आप ले नहीं पा रहे हैं, आप क्या करें, ऊपर आ रहे हैं तो आपको डर हो रहा है कि मेरे मुँह में खाएं, मेरे नाक में पानी चला जाए, मैं लेता हूँ तब तक नीचे से लंग्स रिक्वायर्ड ऑक्सीजन के अनुसार प्राप्त नहीं कर पाता, इसलिए बार बार फड़कता है, तो उससे हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ जाती है, उसको ऑक्सीजन की जरूरत ज़्यादा मिलती कम है, तो इसलिए मतलब ये ना डीप ब्रीथिंग जैसे बता रहे, लंबी मतलब खूब लेना है, खूब स्टोर करना है, पूरी तरह से उसे रिलीज करना है। ठीक है, जैसे मैं ये देख रहा हूँ, ये मैंने ले ली, ठीक है, मैं कितनी देर रहा, मैं यहाँ से यहाँ तक चला, मैंने पूरा मतलब मैं रिलीज ही करता रहा। अब आप लोग क्या करते हैं, क्या होगा, आपने ना पूरा लिया ना पूरा छोड़ा, ठीक है,